देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड को विगत दिनों से गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हो रही थी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों द्वारा कंपनी स्थापित कर जनता से जमीन के नाम पर FDRD बनाकर धनराशि दुगुना करने का लालच देकर भारी संख्या में लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी और धोखाधड़ी की जा रही है। वेबसाइट में लोगों को अपनी कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा चढ़ाकर लोगों को भ्रमित कर अपनी कंपनी में धन निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। वहीं देहरादून निवासी एक व्यक्ति द्वारा साइबर थाने में यूनाइटेड एग्रो लाइफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के निर्देशकों के विरुद्ध लिखित तहरीर दी गई, जिसके बाद STF साइबर थाने की एक संयुक्त टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा प्रकरण के संबंध में गहनता से अभी सूचना संकलन और आवश्यक छानबीन की गई, जिसके 13 मार्च 2018 को थाना पटेल नगर क्षेत्र अंतर्गत एक मकान पर दबिश दी गई, जहां पर पाया गया कि यूनिट एग्रो लाइफ इंडिया लिमिटेड कंपनी से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपना एक कार्यालय खोला गया था, जिसमें लगभग 9 से 10 स्थानीय कर्मचारी और कंपनी के 3 निदेशक कार्य कर रहे थे। इसके बाद कार्यवाही करते हुए कंपनी के 3 निदेशकों को गिरफ्तार किया गया और कंपनी के कार्यालय को सीज किया। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।